महंगाई की एक और मार पड़ेगी। लोहिया में इलाज कराने वालों मरीजों पर अब लोहिया में इलाज के लिए गरीब मरीजों को हर सुविधा के लिए पैसे खर्च करने होंगे। जांच और मुफ्त मिलने वाली दवाएं बंद हो जाएंगी। पर्चा भी 100 रुपए का बनेगा। लोहिया में इलाज कराने आने वाले मरीजों ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पर आ चुकी हूँ और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन की बात। अभी हाल ही में जल्दी ही पिछले दिनों ही 100 दिन पूरे कर लिए हैं बीजेपी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए, लेकिन क्या जो वादे किए थे उन वादों पे खड़े उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं? वादों की बात करें तो वादों की बात पे ना ही जाएं, मुद्दे की बात कर लेते हैं। अभी तक लोहिया हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को सिर्फ 1 रुपए का पर्चा बनाना पड़ता था। जो दवाएं यहाँ पे मिलती थी वो भी निःशुल्क मिल जाती थी मरीजों को, और उसके बाद जो जाँचें होती थी बहुत सारी जाँचें कॉस्ट फ्री हो जाती थी, उसका कोई चार्ज नहीं लगाया जाता था। लेकिन अभी एक जियो फिर आया है कि सोमवार से जो नए मरीज ओपीडी में दिखाने के लिए आएंगे उनसे 100 रुपए का शुल्क लिया जाएगा पर्चे बनवाने के लिए। अभी आज हो सकता है मरीजों को ना पता हो, ये घोषणा हो चुकी है। और उसके बाद में जो यहाँ पे जाँचें होंगी वो भी मुफ्त नहीं होंगी, साथ में जो भी दवाएँ दी जाती थी वो भी फ्री नहीं मिलेंगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ की जनता को या आसपास के जिलों से आए हुए मरीजों को लोहिया हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए एक बड़ा तोहफा दे दिया है। अब ये तोहफा मरीजों को कितना भाता है हम बात करेंगे, मरीजों से जानेंगे कि उनके इस घोषणा से मरीज कितना संतुष्ट है या कितना असंतुष्ट है। चलिए आइए बात करते हैं। लोहिया हॉस्पिटल में यहाँ पर फ्री दवाएँ मिलती हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पे आसपास बैठे हुए भी हैं। तो हम लोगों से बात करते हैं कि सोमवार से जब उनको फ्री दवाएँ नहीं मिलेंगी, 1 रुपए का पर्चा 100 रुपए का बनेगा, तो उनकी क्या राय है? सोमवार से भाई साहब यहाँ पे 1 रुपए का जो पर्चा बनता था वो 100 रुपए का बनेगा, आप सरकार की इस घोषणा से कितना सहमत हैं? पहले सही था नियम, अब सही नहीं है, इस समय नियम है। आम लोगों को दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत है। आपका नाम क्या है? कमला कनौजिया नाम है बिटिया हमारा। और दिक्कत तो बहुत है, 1 रुपए पर्चा बनत रहा है तो हम लोग गरीब आदमी कहते रहे चलो भाई दिन पूरा लगाए के यहाँ दवाई ले आएंगे, लेकिन अब तो 100 रुपया पड़ी है दवाई कर पैसा आज मांग रहे हैं, तो कैसे चलेगा? गरीब आदमी चारों को जब बर्तन कर करके हम लोग अपना परिवार चलाते हैं तो कैसे चलेगा ये? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य का पूरा विभाग देखते हैं, उनसे आप क्या गुजारिश करेंगे? भाई उनका हम तो यही गुजारिश करेंगे भाई गरीब लोगों के यहाँ दया करें, हम बहुत लोग परेशान हैं। हम यहाँ तक रोही से बैठा आए हैं। अच्छा, ठीक है। 80 रुपया किराया लगा के यहाँ तो दवाई ले आओ, उसके बाद पूरा दिन यहाँ खराब करो और उसके बाद आपको फ्री इलाज भी अब नहीं मिलेगा। फ्री इलाज भी नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो है ही है बेटा। ऐसे में आम आदमी कहाँ जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाएगा या बिना इलाज के अभाव में ऐसे मरेगा? फिर जिसके पास है वो तो कराएगा, जिसके पास है नहीं वो क्या कराएगा? जो गरीब तबका का लोग है मतलब वो यहाँ भाग कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही कि भाई चलो ले ले दवाई, कम से कम हमको शरीर की आराम मिलेगी। अब वो आराम आज से छिन जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? ये हम झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, ये मेरी सब पूरा शरीर रखड़ा है, उंगलियाँ सब इतनी दर्द हो रही है, हम लोग कैसे करते हैं? परिवार ज्यादा है, बहुत परेशान है बेटा। चलिए ठीक है, और किसी से बात करते हैं? आप यहाँ पे दिखाने हैं जी, आप पर्चा 1 रुपए के बजाय 100 रुपए से बनेगा सोमवार से जी। सोमवार से 1 रुपए कहाँ बनेगा, 100 रुपए कहाँ बनेगा? यहीं पे 1 रुपए का जो बनता था वो 100 रुपए का पर्चा बनने लगेगा। दवाएं जो आप लाइन में लग के फ्री लेते हैं अब इसका पैसा पड़ेगा, मतलब आपको बाहर से दवाएं लेनी पड़ेंगी या पैसे से लेनी पड़ेंगी, या जो जांचें फ्री हो जाती थी वो पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके बारे में सरकार के इस रवैये से या घोषणा से कितना संतुष्ट है? नहीं, इसे संतुष्ट नहीं, कोई नहीं रहेगा इसे तो, वो ठीक नहीं। पहले फ्री इलाज होते थे, फ्री इलाज के लिए आते थे लोग, अब फ्री इलाज नहीं होगा तो पब्लिक परेशान होगी। फिर आप कहाँ से आए हैं फिलहाल? हम तो आजमगढ़ से आए। कहाँ से? आजमगढ़। मतलब इतनी दूर से यहाँ पे बेहतर इलाज? हम तो रहते यहीं पे हैं इसलिए आए थे। आप यहाँ पे इलाज के लिए आए हैं? बिल्कुल जी, हाँ इलाज के लिए आए हैं। आप यहीं लखनऊ के रहने वाले हैं? हाँ लखनऊ में, चिन्हित रह से हैं। अभी 1 रुपए का पर्चा बनता था, 100 रुपए का बनेगा, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, परेशानी होगी और क्या, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। भैया अब 100 रुपए का पर्चा बनता था, सॉरी 1 रुपए का बनता था, 100 रुपए का बनेगा जी जी। तो आप सरकार से क्या गुजारिश करेंगे, क्या चाहेंगे जी? 1 ही रुपए का बने। 1 ही रुपए का बने जी। आप कहाँ से आए हैं? गोंडा से।
मोना से, मतलब इतनी दूर से आए हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है? नहीं हॉस्पिटल है, इलाज नहीं, यहाँ लोग बताते हैं सही इलाज होता है इसलिए आया गया था। अच्छा, सही इलाज के चक्कर में आप लोहिया आए हैं जी। और यहाँ पे भी अगर इलाज महंगा हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे फिर, कहीं इधर उधर कराया जाएगा और क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्चना सिंह, KKT न्यूज़ से। मैं राम मनोहर।